मैम यहाँ सबसे पुराना जो गांव था वो था ओल्ड सिटी सीकरी विलेज। सीकरी विलेज के राजा थे राणा संग्राम सिंह राजपूत राजा। यहाँ मुगलों में सबसे पहले बाबर आए थे 1526 में। बाबर और राणा सांगा के बीच में एक युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ खानवे का युद्ध। इस युद्ध को बाबर ने फतेह किया, तब जगह का नाम फतेहपुर सीकरी। इसके बैक साइड में कंप्लीट में ही बोलते हैं फतेहपुर सीकरी। जिस गेट से आप लोग आए हैं उस गेट को बोलते हैं बादशाही दरवाजा, रॉयल गेट, अकबर और अकबर के परिवार के आने और जाने का रास्ता, शाही दरवाजा। टुडे यू एंट्रेंस फॉर द वीआईपी गेट, टुडे आर वीआईपी से। इसको विशेष वाला रास्ता, मन्नत वाला रास्ता, प्रार्थना वाला रास्ता, इसी गेट को बोलते हैं। यहाँ बड़ा गेट है, बाहर देखने जाएंगे हम लोग। इसको बोलते हैं बुलंद दरवाजा। बुलंद मीन्स होता है ऊंचा, दरवाजा मीन्स होता है गेट। एशिया का सबसे ऊंचा है और दुनिया का सबसे चौड़ा, आम पब्लिक का आने जाने का रास्ता। वहाँ सामने गेट देख रहे हैं ना मैम, वो है जमा मस्जिद, अकबर के टाइम की नमाज पढ़ने की जगह। आज भी वहाँ पर उस टाइम की नमाज होती है। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जगह है, वाइट वाला टूम देख रहे हैं ना, वो है सूफी संत हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। एक्चुअली में यहाँ कुछ नहीं था, पूरा ही पहाड़ी इलाका था। इस जगह को बोला करते थे अरावली पर्वत। अकबर के पास तीन रानियाँ थी, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चन, जोधाबाई, मरियम एंड टर्की सुल्तान। जोधाबाई रहने वाली थी जयपुर आमेरपुर, मरियम रहने वाली थी गोवा एंड टर्की सुल्ताना रहने वाली थी टर्की। एशिया का सबसे ऊंचा है और दुनिया का सबसे चौड़ा। इसका नीचे रोड से लेकर वहाँ तक 176 फीट हाइट है। यहाँ से लेकर वहाँ तक 134 फीट, इसकी चौड़ाई 90 फीट है। फिर इन साइड इसके होली ऑफ राइट एंगल ताजमहल से 100 साल पुराना बिल्डिंग 100 फीट। देखिए मैम इधर आइए, हैंड वगैरह वॉश करता है, उसको मैं चौदह बजे लेकर देखा सामने। ये दरगाह की दुआ है तीन साइड में। जब
थोड़े के नाल मैडम आपने फिर जो प्रदेश में इसमें गाने को थोड़ी सी दुर्गी लग रही है जो कहते हैं आपका और दो दिन मिलने पहले शूज करना मैडम क्या लिया था आपने रैटल